देख के लिखेंगे तो फिर तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखें आप दोबारा प्रेगर लिखने के लिए दोबारा वीडियो देखेंगे, दोबारा देखनी पड़ेगी। वो तो कोई बात नहीं सर, नहीं वो वीडियो देखे थी है फिर गाने लगाए हुए थे तो ये एफएम चल रहा होगा। आपका वो परचेज डी के ऊपर एक ट्रिगर लगाया था आफ्टर इंसर्ट का, याद है जिसके जरिए हमने स्टॉक को उधर करवा दिया था। ठीक है, अब हमारे पास दो केसेस और हैं, एक अपडेट का और एक डिलीट का। तीन केस होते हैं ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट, तीन चीज़ होती है। हमने इंसर्ट का तो हैंडल कर लिया कि इंसर्ट हो तो जितना स्टॉक खरीदा है उतना प्लस हो जाए। अपडेट का ट्रिगर से मुराद ये होती है कि जितनी क्वांटिटी उसने चेंज की है, ठीक है, उतनी क्वांटिटी हम दूसरी तरफ जाके चेंज कर दें। फॉलो कर रहे हैं बात को, स्टॉक में अपडेट कर दें, स्टॉक में अपडेट कर दें। मिसाल के तौर पर मैंने पेप्सी के पहले खरीदे थे 5 क्रेट, मैंने कहते हैं 5 नहीं 4 खरीदे थे, मुझसे गलती से टाइप हो गया था 5, तो अब वो 1 क्रेट स्टॉक में से कम करना है। ठीक है, बोलो कर रहे बात करें तो, या मैंने लिख दिए थे 4 लेकिन मैंने खरीदे थे 5, तो अब मैं आके लिख दूंगा नहीं 5 क्रेट थे, बिल बिल खोल के ना यहाँ पे इसको मैं रन करके रन करके कहता हूँ कि ये पेप्सी रेगुलर के 3 ग्रेड नहीं थे, ये थे 5 ग्रेड। अब ट्रिगर जो है इंसर्ट वाला नहीं चलेगा, अब ट्रिगर अपडेट वाला चलेगा, जो क्योंकि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ हुआ है अब अपडेट हो रहा है।
तो अब इस पे ये वाला ट्रिगर जो हमने लिखा है ना, ये वाला इतना सारा जो हमारा ट्रिगर लिखा है, ये सिर्फ इंसर्ट जो चल रहा है अपडेट पे, ये नहीं चल रहा क्योंकि ये हमने लगाया हुआ है आफ्टर इंसर्ट ऑन परचेज करके, परचेज जी के इंसर्ट होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा और है अपडेट, ये अपडेट नहीं रहेगा, ठीक हो गया। एक तो ये मसला है हमारा। दूसरा मसला ये है, अपडेट का केस ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है हर सॉफ्टवेयर के अंदर। छोटे से छोटा मॉड्यूल भी ले लेंगे ना, उसमें अपडेट का केस सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने क्या किया, मैंने 5 क्रिएट किए, और मैं कहता हूँ क्रिएट नहीं थे वो, 5 पीसेस थे, क्वांटिटी भी चेंज कर दी और रीजन भी बदल दिया। और मैं कहता हूँ शॉप में नहीं रखा, मैंने मेन स्टोर पर रखा था उसको। ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कोई भी चीज़ इसमें से इंसर्ट नहीं हो रही, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं बात, क्वांटिटी अलग अपडेट हो रही है, यूएम अलग अपडेट हो रहा है, उसका वेयर हाउस अलग अपडेट हो रहा है। अब हमारा ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, अगर सिर्फ क्वांटिटी होती तो हमें सिर्फ क्वांटिटी को डील करना था। पेप्सी तो मैंने खरीदी नहीं, मैंने तो इसी जगह ये जॉनसन कैलकुलेशन लिया था, इसका मतलब जो स्टॉक पहले चला गया वो सारा गलत दिया। अगर ये आइटम भी बदल देता है, अगर नहीं बदलता आपका बैलेंस गुड, फिर तुम्हारा वो चल रहा है, इंसर्ट चल रहा है। तो इसके ना दो तीन हल होते हैं, इसके दो तीन हल होते हैं। सर आपको उसने अगर वो देखना, अगर वो बेबी लोशन कर देगा तो वो तो आप वो इंसर्ट नहीं था, वो तो कोड ही चेंज, आइटम चेंज ही हो गया। अब तो वो फिर जो पुराना पेप्सी में चला गया है स्टॉक, वो उसका क्या करेगा, अभी भी वो अपडेट नहीं है। नहीं, जब ये आइटम चेंज, ये रिकॉर्ड अपडेट है ना, आप एम्प्लॉई का नाम बदले, एम्प्लॉई का आईडी बदले, एम्प्लॉई की सैलरी बदले, एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट बदले, मैं आइटम बदलूँ, मैं क्वांटिटी बदलूँ, मैं यूएम बदलूँ, मैं वेयर हाउस बदलूँ, मैं रेट बदल दूँ। अभी तो अकाउंट्स ही जोड़े हमने, अकाउंट जोड़े तो रेट बदलने से भी फर्क पड़ेगा, तो सारा कुछ मेरा वो अपडेट ही केस अपडेट हो जाएगा। इसके दो तीन तरीके हैं हल करने के। एक तरीका तो ये है कि हम इसको अपडेट की इजाज़त ही ना दें, हम कहें भाई तुम अपडेट नहीं कर सकते, या तो डिलीट करो और नया डाल दो। सबसे आसान तरीका ये होता है, आप डिलीट का हैंडल करें, डिलीट का केस हैंडल करें, जब डिलीट करें स्टॉक माइनस करो, इंसर्ट करें स्टॉक प्लस करो, अपडेट का हम चेक ही ना लगाएं उसके अंदर, और यहाँ से हम अपडेट बंद कर दें और उसको कहें भाई तुमने अगर इसको चेंज करना है तो डिलीट करके नया डालो, ठीक है। ये आइटम चेंज होगा, आइटम डिलीट होगा, अपडेट है ही नहीं, नहीं तो एक क्वान्टिटी और रेट वगैरह भी नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा हम अपडेट रोक सारा रिकॉर्ड ही दोबारा ही दोबारा डालेगा उसको। हम कहेंगे भाई इसको डिलीट करो, नीचे यहाँ 1001 से दोबारा तुम जो 5 की एंट्री नहीं डालो, ठीक है, तुमने स्टोर बदलना है, तुमने वेयर हाउस बदलना है, जो भी बदलना है तुमने बदलो, पिछला डिलीट करो नया डालो, इस तरह करो। तो पिछले का डिलीट का ट्रिगर चलेगा और नए वाले का इंसर्ट का ट्रिगर चल जाएगा, ठीक है ना। ये मल्टीपल रिकॉर्ड है ना, ये मल्टीपल रिकॉर्ड है ना, ये उसने रिकॉर्ड एंटर किया और सेव कर दिया। हाँ, फिर वो उसने बाद में यूजर ने सोचा कि मुझे तो वो आइटम का नेम डिफरेंट था, रेगुलेशन भी होगा ना। हाँ, अब वो उसको डिलीट करेगा, डिलीट करेगा, नया आइटम डाल दो रेगुलेशन से, तो नए वाले का इंसर्ट चल जाएगा। लेकिन सब बैकएंड पर तो वो सेव हो गया, फिर वहाँ से फिर वो डिलीट हो जाएगा जब यहाँ से डिलीट करेंगे। सारी बात है, ये डेटाबेस से उठा के दिखा रहा है, ये चीज़ें डेटाबेस से उठा, जब यहाँ से इंसर्ट किया था तो डेटाबेस पे कैसे चला गया, इसका मतलब ये डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, हमने डेटा ब्लॉक चलाया, ये डेटाबेस से सारा जुड़ा हुआ है।
अब वो नया डाल दें उसकी जगह में। एक तरीका तो ये है सबसे आसान, जो पहला पहला सॉफ्टवेयर हम बना के देते रहे ना वो इस तरह ही चलते रहे। दूसरा तरीका ये है कि फिर अपडेट को डील करना शुरू करें। क्वान्टिटी का अपडेट हो तो अलग टैकलिंग लगेगी, शॉप का अपडेट ये वेयर हाउस का अपडेट होगा तो अलग टैकलिंग लगेगी, ये आइटम अपडेट होगा तो अलग हैंडलिंग लगेगी। इन तीनों के अपडेट के ट्रिगर लगेंगे, तीन अपडेट के ट्रिगर लगा लें, दो लगा लें, जो भी आपकी ऑप्शन हो उस तरह आप अपडेट लगा लें इसको, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है, तो आप बता दें इसमें से आपको क्या पसंद है, मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर देता हूँ। जो पहले वाला तरीका उसका डाटा ब्लॉक की प्रॉपर्टी में जाके अपडेट को उसको हम अपडेट नो कर देंगे बस, फिर हम डिलीट को डील करेंगे, वो डिलीट का हमारा वैसे भी लगने ही लगना है, डिलीट का ट्रिगर लगने ही लगना है बेशक वो अपडेट अलाउ है या नहीं है, क्योंकि आइटम डिलीट बिल बिल में जहाँ जाके मैं वैसे शिफ्ट एफ सिक्स के बिल ही डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट एफ सिक्स के बिल ही डिलीट कर देता हूँ, डिलीट तो मेरा लगने ही लगना है। तो अपडेट का सिर्फ मसला होता है कि अपडेट कैसे करना है, ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ अभी डिलीट का ट्रिगर, तक वो कॉमन है वो डिलीट का मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, अपडेट का फिर हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया। डिलीट पर हमने क्या करना है, जो काम इंसर्ट पे हुआ है डिलीट पे उसका उल्टा हो जाना है सारा, ठीक है, डिलीट पे उसका उल्टा हो जाना है। डिलीट में क्या करना है कि जो आइटम है जो क्वांटिटी है उतनी स्टॉक से माइनस कर दो, अगर परचेज का बिल है तो आइटम माइनस हो जाएगा, अगर रिटर्न का बिल है तो आइटम प्लस हो जाएगा। परचेज जो इंसर्ट का केस था वो उल्ट था, उसमें परचेज में प्लस होता था रिटर्न में माइनस होता था, और डिलीट में परचेज ने माइनस हो जाएगा और रिटर्न ने प्लस हो जाएगा, उल्ट चलेंगे ना एक दूसरे के, ठीक है। तो हम पहले डिलीट में लगा रहे हैं, हमारे वही मास्टर की डेट बनेगी, मास्टर की टाइप बन गई, इन स्टॉक बन गया। अच्छा जी ये लिया, इसकी जरूरत भी पड़ेगी, चलो हम खुद देखते हैं। तो डिलीट पर हमने क्या करना है, हमने कहना है कि अगर मास्टर की टाइप परचेज है तो माइनस करो, अगर रिटर्न है तो प्लस करो। इसके बाद हमें बी एम टाइप पे वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो मैं इधर से कॉपी कर देते हैं और ये सारे ले लो सारी ले लो बाकी डिक्लेयर की बात से डिक्लेयर। अच्छा ये देखो डिक्लेयर एक डेट डिक्लेयर हुई, एक टाइप डिक्लेयर हुई, एक इन स्टॉक डिक्लेयर हो गया, ठीक है। सिलेक्ट पीएम डेट पीएम टाइप इनटू वी डेट वी, ठीक है। सो वेयर पीएम डॉट पीएम आईडी इक्वल टू न्यू डॉट पीएम आईडी। डिलीट के केस में हमेशा ओल्ड लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब नई वैल्यू नहीं आ रही, अब पुरानी वैल्यू पड़ी है उसी को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट में हमेशा वैल्यू नहीं आती है, डिलीट में वैल्यू हमेशा ओल्ड होती है, पुरानी वैल्यू होती है, अपडेट में नई भी होती है ओल्ड भी होती है, ये जहन में रखें। हमारे पास तीन ट्रिगर होते हैं ना, तीन हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ डी एम एल है ना, एक हमारे पास है इंसर्ट की, एक है अपडेट की और एक है डिलीट की, ठीक है। इंसर्ट में ओल्ड वैल्यू जो है वो नल होती है, इंसर्ट में ओल्ड वैल्यू नल होती है, क्योंकि इंसर्ट का मतलब ये है कि वो इंसर्ट अब हो रहा है, पहले कुछ पढ़ा ही नहीं उसमें, उसमें हमेशा न्यू वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, न्यू वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, ओल्ड नल होती है, ओल्ड होती नहीं है। अपडेट जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास ओल्ड वैल्यू भी होती है एग्जिस्ट करती है और न्यू वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है,
مثال کے طور پہ میں نے پہلے کہا تھا 3 کریٹ اور اب میں نے کہا ہے 5 کریٹ, تو جب میں اولڈ کروں گا تو مجھے 3 ملے گا اور جب میں نیو کروں گا تو مجھے 5 ملے گا. اس میں میں اولڈ میں کروں گا وہ 3 کریٹ تو وہ نل ہوگا, کوانٹٹی اس کی نل ہوگی, اور جب نیو میں میں کروں گا تو وہ ہوگا میرے پاس 3 کریٹ. ٹھیک ہے, اور اپڈیٹ میں اولڈ میں 3 ہوگا, نیو میں 5 ہوگا. ٹھیک ہے, اور ڈیلیٹ میں میرے پاس اولڈ جو ہے ایگزسٹ کر رہا ہوگا, اس کے اندر 3 یا 5 جو بھی ویلیو لکھی ہوئی ہے آپ نے ادھر 3 کریٹ ہوں گے, اور اس کی نیو ویلیو نل ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہوتا ہے. ڈیلیٹ کے ٹریگر میں اولڈ یوز کرنا ہوتا ہے, انسرٹ کے ٹریگر میں نیو یوز کرنا ہوتا ہے, اپ ڈیٹ میں دونوں یوز ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لاجک کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نیو کیوٹیفائی کریں گے تو وہ نئی والی کوانٹٹی آئے گی, اولڈ کیوٹیفائی کریں گے تو پرانی کوانٹٹی آئے گی, نیو ڈبلیو آئی ڈی کریں گے تو نیا ویئر ہاؤس کی آئی ڈی آئے گی, اولڈ ڈبلیو آئی ڈی کریں گے تو پرانے ویئر ہاؤس کی آئی ڈی آئے گی, نیو آئی ڈی کریں گے تو نیا آئٹم آئے گا, اولڈ آئی ڈی کریں گے تو پرانا آئٹم آئے گا. پہلے پیپسی تھا اور اب جانسن بیبی لوشن. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں کا فرق آئے گا. تو یہاں پہ نیو اور اولڈ ہوتا ہے, ادھر ہمیشہ نیو ہوتا ہے, ادھر ہمیشہ اولڈ ہوتا ہے. اگر میں یہاں لگا دوں گا نا ویئر پی ایم ڈاٹ پی ایم آئی ڈی کو نیو ڈاٹ پی ایم آئی ڈی تو جواب نل ہو جائے گا اس کا, وہ کہے گا نیو میں ہے ہی نہیں ویلیو, یہ ایرر نہیں دے گا, وہ نل کر دے گا اس کو, نل کر دے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے ڈیٹ لے لیا, ٹائپ لے لی, انٹو وی ایم ڈیٹ وی ایم ٹائپ فرام پرچیز ایم پی ایم, ویئر پی ایم ڈاٹ پی ایم آئی ڈی اکول ٹو جو پرانی پی ایم آئی ڈی سیو تھی اس سے ہم نے اس کا پلاٹ سارا لے لیا. ٹھیک ہو گیا, کاؤنٹ اسٹیٹک انٹو وی ٹو وی اسٹاپ ایس ویئر ایس ڈاٹ آئی ٹی ڈی اکول ٹو اولڈ آئی ٹی اولڈ ڈاٹ آئی ٹی آئی ڈی, ایس ڈبلیو ڈاٹ ڈبلیو آئی ڈی اکول ٹو اولڈ ڈاٹ ڈبلیو آئی ڈی, نیو اولڈ سمجھ آ گیا بھیجا. ٹھیک ہے, اگر وی ایم ٹائپ لائک پرچیز ہے اور ان اسٹاک زیرو ہے تو ایرر آنا چاہیے, تو ایرر آنا چاہیے. اب انسرٹ نہیں کریں گے آپ, تو اگر وہ اسٹاک میں پڑا ہی نہیں ہے اور وہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے اس کو تو یہ غلط ہے, ایرر آنا چاہیے. ہم یہاں پہ ایرر شو کروائیں گے, اب نیا انسرٹ ہی ہم کریں گے, یہاں پہ ہم ایرر شو کرائیں گے کہ بھائی ریز انڈر اسکور ایپلیکیشن انڈر اسکور اسٹاک ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ فار آئٹم ٹو بی, جو آئٹم آپ ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کو اسٹاک میں ریکارڈ ہی نہیں پڑا. نہیں سر, کہ وہ کوئی آئٹم پرچیز کرے گا سیو کرنے کے بعد ڈیلیٹ کرے گا, وہ سیو کرنے کے بعد ڈیلیٹ کرے گا, تو اس کو مطلب یہاں پہ ایسا آئٹم ڈیلیٹ کے لیے نہیں آ سکتا جو اسٹاک میں نہ پڑا, جس کا اسٹاک میں ریکارڈ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, نہیں تو جب اسٹاک میں پڑا نہیں ہے ڈیلیٹ میں کیسے آئے گا, نہیں آ سکتا نا, نہیں آ سکتا نا. ہاں تو ہم نے یہی چیک کرا دیا, نہیں یہ تو ڈیلیٹ میں لگایا ہے نا, کہ جب اس نے آئٹم سلیکٹ کر دی ڈیلیٹ کرے گا, پھر اگر وہ آئٹم کس طرح اسٹاک میں نہیں پڑی گی, ہم نے ایک آئٹم لکھ دی اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا سیو کر دیا, وہ اگر ہمارا سافٹ ویئر صحیح بنا ہوا ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں چلے گی پورے سافٹ ویئر کے اندر. اگر ہمارا سافٹ ویئر صحیح بنا ہے نا, اگر ہمارا سافٹ ویئر صحیح بنا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں چلے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا آئٹم ہو ہی نہیں سکتا جس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں وہ اسٹاک میں نہ ہو, لیکن اگر ایسا آئٹم نکل آئے تو وہ ہمیں یہ روک دیں گے. آپ ہم نے اسے کہتے ہیں ایرر کو ہینڈل کیا ہوا ہے, اگر میں ہینڈل نہیں کروں گا تو وہ میرا سافٹ ویئر بگ رہ جائے گا. اب آپ کو بتاتا ہوں مس کس طرح ہوتا ہے, مس اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ہیں ڈیولپر ابھی کچے, ٹھیک ہے, ہم نے اپڈیٹ کا کیس صحیح طرح ہینڈل ہی نہیں کیا, یوزر نے آ کے یہاں سے کوانٹٹی بھی بدلی, یو ایم بھی بدلا, ویئر ہاؤس بھی بدلا, سافٹ ویئر کو سمجھ نہیں لگی یا ہمارے ٹریگر کے اندر ہینڈلنگ صحیح نہیں لگی تھی, بل سیو ہو گیا اسٹاک جا کے نہیں کھلا, اپڈیٹ کے ٹریگر میں مسئلہ تھا, فالو کر کے بعد میں اب ایسا آئٹم موجود ہے جو یہاں پہ ہے لیکن وہ اسٹاک میں نہیں ہے, آپ کو ڈیلیٹ کرے گا کیا رہا ہے. ٹھیک ہے,
तो इसको हम सेव करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ये लगा लेते होते हैं कि ऐसा केस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो परचेज का बिल है और वो स्टॉक में अगर नहीं पड़ा डिलीट होते वक्त, तो ये एरर है, ठीक है ना, एरर है। सेल का मतलब है क्वांटिटी जीरो, इस जीरो का मतलब है उसका रिकॉर्ड ही नहीं पड़ा, दो 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 वो तो हाँ हो सकता है ना, हम इसको मनफी पे ले दें, पॉसिबिलिटी है हमारे पास। मनफी का चेक और है, रिकॉर्ड के मौजूद होने और ना होने का रिकॉर्ड और है, चेक और है, ये उसके मौजूद होने या ना होने को चेक कर रहा है, स्टॉक में ना होने के बाद में ये है रिकॉर्ड खुला हुआ भी है, ये परचेज बिल है ना और उसका स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं हुआ किसी भी वजह से, कोई एरर आ गया था, कोई बग था, किसी यूज़र ने हैंकी पैंकी करके बाईपास करवा दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो परचेज हुआ है, स्टॉक में नहीं खुला हुआ और आप डिलीट करने जा रहे हैं तो एरर आ गया। ठीक हो गया, एल्स अगर वो रिकॉर्ड स्टॉक में मौजूद है तो क्या करो, अपडेट करो स्टॉक को, उसकी क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी माइनस करो ओल्ड क्वांटिटी जो ओल्ड बढ़ा देते थोड़ा, और लास्ट इन डेट लास्ट आउट डेट सेट करने की जरूरत नहीं है, बस वो माइनस हो गया उसमें से। वेयर एस डॉट आई टी आई इक्वल टू ओल्ड डॉट आई टी आई एंड एस डॉट डब्ल्यू आई इक्वल टू ओल्ड डॉट डब्ल्यू आई डी, ठीक है। अच्छा एस इफ अगर टाइप लाइक रिटर्न है और स्टॉक में नहीं है, अच्छा जी, तो तब क्या केस बनेगा, रिटर्न का बिल है और वो स्टॉक में, तो ये पहले माइनस अपडेट हो जाएगा, अपडेट वाली पहले आ जाएगी ना, एरर खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, रिटर्न का केस है और वो स्टॉक में नहीं है, तो हम इस पे इंसर्ट का केस लगाएंगे, जीरो है तो ओल्ड आई टी आई डी ओल्ड डब्ल्यू आई डी ओल्ड क्वान्टिटी और ये लास्ट इन डेट में और लास्ट क्वान्टिटी में ओल्ड क्वान्टिटी है, ये भी केस आपको मैं समझा देता हूँ क्या है, बाकी अगर आप समझे तो टाइप लाइक रिटर्न है और स्टॉक में मौजूद है, एल्स केस में आ जाए, स्टॉक में मौजूद है तो क्या करो, क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी जमा कर दो, कौन सी, जो ओल्ड क्वांटिटी, ठीक हो गया। वेयर एस डॉट आई टी आई डी इज इक्वल टू कॉलन ओल्ड डॉट आई टी आई डी एंड एस डॉट डब्ल्यू आई डी इक्वल टू ओल्ड डॉट डब्ल्यू आई डी, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने कॉल किया पहले, इसको समझे वो इंसर्ट पावर से बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने डिलीट का केस लगाया
तीन वेरिएबल ये डेट का, टाइप का और इन स्टॉक का। डेट की हमें फिलहाल जरूरत पड़ेगी हम देख लेते। हमने क्या किया, ओल्ड पीएमआईडी के जरिए उसकी डेट ले ली और उसकी टाइप ले ली इन वेरिएबल्स के अंदर जिससे पहले लीव करने, ठीक हो गया। हमने आइटम का स्टॉक में रिकॉर्ड भी काउंट किया कि क्या स्टॉक के अंदर रिकॉर्ड खुला है कि नहीं खुला, वी इन स्टॉक में रिकॉर्ड खुला है कि नहीं खुला। सेलेक्ट काउंट स्टैटिक इन टू वी एम एस इन स्टॉक फ्रॉम स्टॉक वेयर एस डॉट आई डी आई डी इक्वल टू ओल्ड डॉट एस आई डी आई डी एंड एस डॉट डब्ल्यू आई डी इक्वल टू ओल्ड डॉट डब्ल्यू आई डी, ठीक है। हमने काउंट किया कि क्या वो स्टॉक में रिकॉर्ड खुला है कि नहीं खुला। अगर टाइप लाइक परचेज है, इफ टाइप लाइक परचेज है और वो स्टॉक में मौजूद नहीं है तो एरर दे दो, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता जो स्टॉक में मौजूद ना हो, ठीक हो गया। एरर आ गया, एल्स अपडेट द रिकॉर्ड, अपडेट करो स्टॉक को, उसकी क्वांटिटी उतनी कम कर दो जितनी हमने परचेज की थी, क्योंकि बिल डिलीट कर रहे हैं, बिल डिलीट कर रहे हैं, इसलिए जितनी क्वांटिटी हमने परचेज की थी उतनी कम कर दो। तो वो उसने एस डॉट क्यू टू वाई माइनस ओल्ड डॉट क्यू टू वाई कर दिया, वेयर एस डॉट आई डी आई डी इक्वल टू ओल्ड डॉट आई डी आई डी एंड एस डॉट डब्ल्यू आई डी इक्वल टू ओल्ड डॉट डब्ल्यू आई डी। एज इफ ऊपर वाले का, अगर टाइप रिटर्न का बिल था, अगर बिल कौन सा था, बिल कौन सा था हमारे पास, रिटर्न का, रिटर्न के बिल में क्या केस होना चाहिए जुबानी को बताया मुझे पहले। रिटर्न का बिल था और बिल डिलीट कर दिया हमने, तीन क्रेट खरीदे हुए थे पेप्सी के, रिटर्न किए थे, ये केस ये बना, पेप्सी का क्रेट आया, पांच क्रेट आए, मैंने उसमें से तीन वापस कर दिए, उसको जो तीन वापसी का मैंने बिल बनाया वो मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, पांच आए थे तीन वापस कर दिए, उसको मैंने वापसी का बिल बाद में डिलीट कर दिया, मैंने कहा नहीं वापस किए, तीन वापस कर दिए, हफ्ते बाद मैंने कहा मैंने वापस नहीं किए, डिलीट करने हैं बिल को, तो क्या केस होगा, बिल डिलीट हो रहा है, स्टॉक ऐड हो जाएगा, ठीक है। देख मिले हाँ, हाँ सवाल क्या है मेरा, जी सवाल क्या है, सर ये है कि हमने एक बिल रिटर्न का करवाया था ना, पाँच क्रेडिट लिए तीन वापस कर दिए, उसका बिल बन गया, अब वो स्टॉक में सर निकल गए क्योंकि हमने उसको वापस कर दिया, जब बिल डिलीट करेंगे तो वो स्टॉक में अपडेट हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे वापस, क्योंकि बिल डिलीट हो गया, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, आप बस कुछ चीज़ें हैं जो भी आप छोड़ेंगे, मोबाइल है, मोबाइल नहीं देते होते साल में भी नहीं देना किसी को मोबाइल। आप ये रजिस्टर लेके आए, परचेज किया आपने कितने, पाँच, पाँच आपकी सब्जेक्ट है, आपने पाँच रजिस्टर परचेज कर लिए, आपने कहा यार मैं पाँच ऐसे काम कर ले आया हूँ, रजिस्टर मौका है, मैं इसी के अंदर दो तीन सब्जेक्ट काम कर लूँगा, आप तीन वापस ले गए, दो अंदर वापस कर दिया आपने, बिल बन गया आपका, आपके पास कितने रह गए, दो रह गए। आप क्लास पढ़ने गए, मैडम ने आगे कह दिया नहीं जी हर सब्जेक्ट का अपना अपना रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। आप वापस गए दुकान वाले के पास, आपने कहा यार वही रजिस्टर मुझे दे दो, और जो रिटर्न का बिल था ना वो डिलीट कर दो, और क्या होना चाहिए, वही मैंने कहा पहले पाँच प्लेट लिए थे, तीन मैंने वापस कर दिए, तो मुझे ख्याल है नहीं यार ईद आ रही है, मैंने कहा यार बिल डिलीट कर दो, तो मुझे वो वापस कर दो, ठीक है। तो रिटर्न के केस के अंदर अगर वो स्टॉक में मौजूद नहीं है तो अलग बात है, ठीक है। रिटर्न के केस के अंदर वो स्टॉक में मौजूद है तो हमने उसको अपडेट करके उसकी क्वांटिटी में जमा कर दिया। और अगर वो मेरे स्टॉक में मौजूद ही नहीं था और अब वो वापस आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करेंगे। तो यही चीज़ मैंने इंसर्ट की कि अगर वो स्टॉक में मौजूद नहीं है और वो मेरे पास चीज़ वापस आ रही है तो हम उसको इंसर्ट करेंगे लेकिन ओल्ड वैल्यूज के साथ, डिलीट का ट्रिगर उसमें चलता है। जिस तरह ये यही हो गया ना कि हमने तीन क्रेडिट खरीदे
स्टॉक में रिकॉर्ड से वो जीरो है, हम उसको डिलीट समझ लेते हैं सेल्स को, जब वो वापस आएगा तो उसको अगर पहले से कुछ पड़ा होगा तो ठीक हो गया। ये केस लगे हमारा, इसके मैंने लिया है पेड बाय, वो मेरा प्रोफाइल सक्सेसफुली हो गया। ये हमारा अब डिलीट का ट्रिगर भी चल गया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको, सही है, नल लिखा हुआ है उसमें, वो ठीक बता रहे हैं। ट्रिगर को एडिट करके रिफ्रेश किया, ये आफ्टर डेल का ट्रिगर आ गया एडिट। अब मिसाल के तौर पर हमने क्यूरी बनाई थी, एक व्यू बना लिया था शायद, व्यू आइटम भी बनाया था, व्यू स्टॉक भी बनाया था, मैंने चलो पहले परचेज का बिल डिलीट कर देता हूँ, हम एक नया आइटम परचेज करते हैं उसको भी डिलीट करते हैं, 1 6 7 8 9 2 का नहीं हमारे पास है, 2 का हम बिल डालते हैं। मैंने सिर्फ परचेज किया एसडीएफ से, पेप्सी हाफ लीटर का मैंने कहा कि एक क्रेट 6 वाला शॉप पे रख दो, ठीक है, 0 इधर आए, 0 250 और 250 ही, ठीक है जी। पेप्सी हाफ लीटर का आ गया मेरे पास, इधर देखिए पेप्सी हाफ लीटर थी हमारे पास, इधर पेप्सी हाफ लीटर नहीं है। अब मैं इसको एफेड करता हूँ, तो ये देखिए पेप्सी हाफ लीटर आ गई मेरे पास शॉप पे पड़ी है, कितनी 6 पीसेस, ठीक है। मैं क्या करता फेड किया और ये परचेज का मेरे पास बिल आ गया हाफ, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, इधर आके शिफ्ट एफ 6 डिलीट होता है, मतलब ये डिलीट है हमारे पास, ठीक है, तो सारा बिल डिलीट करना सारा कर देंगे, शिफ्ट एफ 6 बिल पिछला उड़ गया, F10 जो चेंजेस एवरीथिंग सेव, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये 6 था यहाँ 0 हो जाना चाहिए, फेड किया वो देखिए 0 हो गया, पेप्सी हाफ लीटर आपके पास अब नहीं रही, 0 हो गया, ठीक है, परचेज का बिल डिलीट कर दिया। अच्छा हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार सारा बिल भी 3 लोग ने वापस कर दिया उसको, परचेज हम कह दी A 1002, पेप्सी हाफ लीटर की मैं कहता हूँ कि 5 क्रेड ले आया हूँ मैं 6 वाले शॉप पे, चेंज सेव हो गई हमारी। पेप्सी आप लोगों की 30 बोतलें आ गई मेरे पास, 6 क्रेड लिए ना और 5 क्रेड लिए 6 बोतलों वाले, 30 बोतलें हो गई हमारे पास, अब स्टॉक प्लस हो गया हमारा। अब मैं इसकी रिटर्न डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इतना सारा भी मैंने देना था, तुम ऐसा करो इसमें से 2 क्रेट शॉप से वापस लेकर 500 रुपये मेरे को। अब मेरा स्टॉक कितना रह जाना चाहिए, 12 बोतल निकल जाएंगी इसमें से, कितने 24 रह जाएगा, 18 रह जाएगा, ठीक है, 18 स्टॉक रह गया मेरा, रिटर्न का बिल डाला स्टॉक कम हो गया। अच्छा अब क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि नहीं यार वो बिल डिलीट कर दो, चीज़ें मुझे वापस कर दो। मैं क्या करता हूँ कि आया इसको मैंने शिफ्ट F6 यहाँ, तो शिफ्ट F6
और ठीक है ओके किया। अब ये स्टॉक मेरा वापस 30 पे आ गया, 30 पे आ गया, ठीक हो गया। तो इसको तो हमारा डिलीट का काम ठीक हो गया। ऐसा आइटम 1003 नंबर आइटम है, वो मैंने परचेज किया नहीं, लेकिन मैं उसकी रिटर्न डाल देता हूँ। वो मैंने परचेज किया नहीं है और मैं उसकी रिटर्न डाल देता हूँ, तो वो मेरा इंसर्ट हो जाएगा। ये पेप्सी 1 लीटर मैंने आज तक परचेज नहीं की, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे 3 क्रेडिट रिटर्न हुए किसी बिल के अगेंस्ट, ठीक है, वो मैंने शॉप पे रखवाए, ठीक है। तो 6 दिए 18 करते हैं। आप इसको रिपीट करना है, देखना है तो वो देख लें, क्वेश्चन आते हैं।